बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। हालांकि विजयवर्गीय ने कहा कि जब लोग बैठते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं आम है। विजयवर्गीय ने कई नेताओं से अकेले में बातचीत भी की। विजयवर्गीय ने कहा किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसे संविधान में दी व्यवस्था को मानना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझती हैं कि वह देश की प्रधानमंत्री हैं और व्यवस्थाओं को मानना नहीं चाहती। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के अलग अलग कैंप के नेताओं ने विजयवर्गीय से अलग अलग मुलाकात को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर भी मिश्रा और विजयवर्गीय एकांत में बैठे। इससे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नए समीकरण बनेंगे। एमपी में कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी की गैर हाजिरी पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसे संविधान में दी व्यवस्था को मानना चाहिए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझती हैं कि वह देश की प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में अपनी बढ़ती सक्रियता को लेकर विजयवर्गीय ने कहा मैं मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आया हूँ। जहाँ जाते हैं वहाँ राजनीतिक चर्चा तो होती है, सामान्य चर्चा है, कोई नया समीकरण नहीं है। नहीं, सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर और अधिकारियों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करके और जिला कलेक्टरों के साथ तालमेल करके स्थिति को कंट्रोल किया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, सक्रिय मतलब कहाँ है, मैं तो आया हूँ 3-6 महीने में। आज बहुत सारे हमारे मित्र चले गए, उनके परिवार में बैठने आया था मैं, और पत्रकार मित्र भी गए, पॉलिटिकल मित्र भी गए हमारे। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया था। 2 दिन से सब उन मित्र परिवार में ही घूम रहा था। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूँ। प्रदेश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है, और उनके इस अहंकारी व्यक्तित्व की मैं निंदा करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।